दो तीन चार पाँच और छह बच्चे, एक वो भी बच्चा बाहर आया हुआ, एक वो बच्चा बाहर आया हुआ। छोनू 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 साइज देखें और हरकतें देखें, अभी पूरा नंडे खराब और अब मैं नहीं दे रही हूँ, क्योंकि बात है तो मैं खेल के इसको फुटबॉल बनाया हुआ था। चार बच्चे थे, इसके भी पांच बच्चे निकल आए, इसके छह बच्चे और दो तीन चार, और शुक्र यार इस बार इसने पूरे छह अंडे दिया। बस तुम्हारी अम्मी बहुत अच्छी बना, तुम्हें भी बाहर निकाल के फेंक देती। अभी यार छोटा सा है, बहुत ज्यादा छोटा सा है, देखे काफी अरसा हो गया इसमें बच्चा नहीं निकला। कितने बच्चे हैं? हेलो जी, वेलकम बैक टू एनाथा व्लॉग। तो यार गाइस, आज मैं अपनी बजीज क्रोनी में आई, चीज देखकर ना बहुत ज्यादा खुश रह गए हूं। गाइस वो चीज पता क्या है? वो चीज है ये ही नहीं बल्कि इसके अलावा ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत सारे बच्चे बाहर आए हुए, आप कहाँ गए ये देखें, एक वो भी बच्चा बाहर आया हुआ, एक वो बच्चा बाहर आया हुआ, इसके अलावा एक ये भी बच्चा बाहर आया हुआ, बहुत सारे बच्चे देखें, पूरी कॉलोनी ऐसा लगता है फुल भरी हुई है। लेकिन हम ना यार गाइस इनको ना ज्यादा से यहाँ पर रहने नहीं देंगे, क्योंकि यार ये फिर ना हमारे बड़े दोस्तों को डिस्टर्ब करेंगे, तो हम इनको पकड़ के ना इनके भाइयों के साथ ठहरा देंगे। तो यार गाइस अभी हमने इनको नहीं पकड़ना, जैसे ये बड़े हो जाएंगे ना, यानी कि जब हम देखेंगे कि ये सेल्फ हो गए और खुद अपने डाइट खुद ले रहे हैं, तो हम फिर इनको अलग करेंगे। अभी हम फिलहाल ऐसा करते हैं कि बाकी डोले में चेक कर लेते हैं कि और कोई बच्चे निकले या अंडे दिए फीमेल ने। तुम नीचे क्यों बैठे? सारे तुम्हारे भाई बहन ऊपर चले गए, जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ। अभी यार छोटा सा है, बहुत ज्यादा छोटा सा है, देखे माशाल्लाह। मुझे तो यार ये बच्चा बहुत पसंद था, जब डोली के अंदर था ना तब भी ये बहुत ज्यादा पसंद था, और अब ये बाहर भी निकल आया है ना। छोनू 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 छोनू। तो यार अब हम चेक कर रहे थे बाकी डोली के उनमें कितने बच्चे निकले पड़े, फीमेल्स ने कितने अंडे दिए हूँ मैं। तो पहले चेक कर रहे थे डोली नंबर वन को, यार इस बच्चे को क्या हुआ है? माशाल्लाह यार माशाल्लाह, एक दो तीन चार पाँच और छह बच्चे, यार इसके मुंह को क्या हुआ है? अच्छा 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 सोया पड़ा है यार, ये सबसे छोटा ना ये बेचारे, इसके अंदर अभी ताकत नहीं है फिलहाल। अब चेक कर रहे थे डोली नंबर टू को, और ये फीमेल अभी तक अंदर बैठी हुई है, बाहर निकलो। माशाल्लाह कितने बच्चे हैं? एक दो तीन चार पाँच बच्चे, और इसमें रास्ते तो चार बच्चे थे, इसके भी पांच बच्चे निकल आए, इसके छह बच्चे और इसके पांच बच्चे, यार हाँ बच्चे हो गए यार यहाँ से। उड़ो उड़ो बाहर निकलो बाहर निकलो, शाबाश निकल आए फीमेल। और यार बच्चे दुआ करो इसके ऊपर जाए, इस बार बहुत प्यारी है फीमेल है, लेकिन बच्चे इस पर नहीं जाता एक भी। तो यार गाइस कितने बच्चे हैं? यार माशाल्लाह गाइस पांच बच्चे निकले हुए हैं, और ये फीमेल भी बिल्कुल ठीक है। और इसके ऊपर क्या पड़ा हुआ है? मैंने कहा शायद अंडा पड़ा हुआ है। तो यार ये दोनों चेक कर लिए हमने डोलियां, छह अंडे इसमें से, पांच अंडे इसमें से, और छह बच्चे इसमें से, पांच बच्चे इसमें से, यार बच्चे। यार मैं अंडे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहले हमारे पास अंडे ही रह गए, बच्चे निकलते ही नहीं थे, अब जब बच्चे निकलने पर आए तो माशाल्लाह बहुत सारे बच्चे हो गए, इसलिए हमने कहना छह बच्चे इसमें थे और पांच बच्चे इसमें थे, यानी कि कुल मिला के ग्यारह बच्चे हो गए। अब डोली नंबर थ्री को चेक करते हैं यार, इसके बच्चे निकल आए कि नहीं निकले। अच्छा अभी इसके अंडे को मेरे ख्याल में यार अभी पंद्रह दिन हो गए, अभी तीन दिन सिर्फ रह गए, तीन दिन बाद इसके बच्चे माशाल्लाह से निकल आएंगे, है ना, निकल आएंगे ना। एक दो तीन चार, और शुक्र यार इस बार इसने पूरे छह अंडे दिया। हर बार ये ऐसा करती है कि अंडों की दुकान लगा देती है एंड टाइम पर, यानी कि जब अठारह दिन पूरे होने लगते हैं ना अंडा, जिस दिन पहला बच्चा निकलना था मैं बहुत खुश होता, मैं कहता हूँ यार बच्चा निकलेगा, और उस दिन मैं आके देखता हूँ पता क्या इसने हरकत की हो जाती है, उस दिन इसने एक नया अंडा दिया होता है, सात अंडे दे के अगले दिन फिर एक नया अंडा दे देती है, यानी कि बस पुराने अंडे खराब और अब मैं नहीं दे रही हूँ, क्योंकि बात है तुम्हारी, तुम पहले उसमें से बच्चे निकालो उनको पालो फिर अगले अंडे देना। लेकिन यार गाइस इसकी यही आदत गंदी है, खैर अभी अंडों को हेस्ट तो कर रही है सही तरीके से बिल्कुल। अब हम चेक कर लेते हैं डोली नंबर फोर को, कोई नहीं है यार माशाल्लाह यार बच्चे बहुत प्यारे हैं यार, ये देखें एक बच्चा ये निकला हुआ है, दूसरा बच्चा ये बैठा हुआ है, तीसरा बच्चा ये बैठा हुआ है, और चौथा बच्चा वो ऊपर गया हुआ है, पांचवा बच्चा जो है ना वो अभी अंदर है, ये देखें ये बैठा हुआ है, ये पता नहीं क्यों नहीं निकला, मेरे ख्याल में अभी ये छोटा है ना, ये कुछ अर्से तक निकलेगा। इस डोली में वैसे दो बच्चे थे, जैसे फीमेल ने नया अंडा दिया, दबाओ जाओ निकलो बाहर, सारे उसके सारे बच्चे उसने बाहर फेंक दिया और बच्चे बाहर आके निकलने लगे। खैर यार उसने अब नए अंडे दिया मैं ना, अब वो इनको हेज करेगी और इसमें से बच्चे निकलेगी। तुम क्यों नहीं निकले हैं? तुमने दोस्ती बना ली अम्मी के साथ हैं? बस तुम्हारी अम्मी बहुत अच्छी है बना, तुम्हें भी बाहर निकाल के फेंक देती। तो हम चेक कर लेते हैं यार डोली नंबर फाइव को, कुछ भी नहीं है डोली नंबर फाइव में, सिक्स को चेक कर लेते हैं, इसमें भी कुछ नहीं है, सेवन को करते हैं, बल्कि सेवन तो लगी नहीं हुई ना, आठवीं को चेक करते हैं, माशाल्लाह सातवीं पर तुम बैठे हो आए हैं, दुम टूट ना जाए यार इसकी, कहाँ जा रहे हो कहाँ जा रहे हो, एक मिनट बैठो तो सही। यार ये वही बच्चा जो कल निकल आया था, यानी कि ये बच्चा कल निकला था, बाकी जितने भी निकले हुए हैं ना वो सारे आज निकले हैं। तुम्हारे अबू जी तो मुझे कुछ नहीं कहेंगे हैं, मैं तुम्हें हाथ लगा रहा हूँ, उड़ो यहाँ से, उड़ जाओ बड़े हो गए हो आप, शाबाश देखे यार माशाल्लाह फुल फ्लाइंग में, तुम्हें तो वही होना जिसको मेरे अभी नीचे से उड़ाया है। तो अब हम एट को चेक कर लेते हैं यार, एट में अभी फीमेल अंडा नहीं दे रही यार, ये वाली फीमेल है इसकी, लेकिन ये ना अंडा नहीं दे रही, पता नहीं इसको क्या है, इतनी प्यारी फीमेल है, मेल भी इसका बहुत प्यारा, लेकिन ये अभी अंडों पर नहीं आ रही। तो यार अब हम नाइन को चेक कर लेते हैं, नाइन में माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चे हैं, चार बच्चे थे इसमें लास्ट टाइम भी, और अब भी माशाल्लाह चार बच्चे हैं, और जो सबसे बड़ी बात है ना कि इसके बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे ठीक है, अंडा एक पड़ा हुआ लेकिन अंडा खराब हो गया, क्योंकि काफी अरसा हो गया इसमें से बच्चा नहीं निकला। तो यार अब हम लास्ट वाली को चेक कर लेते हैं कि फीमेल ने अंडा नहीं दिया, नहीं दिया नहीं दिया फीमेल ने अंडा। और यार तुम नीचे माशाल्लाह यार नीचे आके इसने अंडा दे दिया, यार ये कोई बात है तुम्हारी, यार ये पता नहीं इस फीमेल को क्या है, या तो ऊपर घर बना लेती है या नीचे घर बना लेती है, वरना इसने खैर अंडा दिया हुआ है, अब पता नहीं इसको हेज करती भी है कि नहीं करती, अंडा भी सही है कि गलत है, बड़े यार जो भी करना है जल्दी करो तुम,
टाइम ना वेस्ट करो, फिर गर्मी आ जाएंगी, फिर तुम कहोगे अब तो गर्मी आ गई, अब तो मैं सर्दियों में ब्रीड करूंगी। तुमने सर्दियों में कौन सी की थी, अब गर्मी आ जाएंगी, फिर कहीं अब तो मैंने सर्दियों में करनी है ब्रीड। ओए कहाँ जा रहे हो, नहीं निकल सकोगे वहाँ से। ओ यार ये देखें वहाँ पर जाने की कोशिश है, यहाँ से थोड़ा सा ये देखें ये जगह है ना, इतनी जगह है कि ये देखें मेरी उंगली गुजर जाती है, तो ये गुजरने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं जा सके। गुस्से फिर मैं ये एवरेज तुम्हारी है और तुम वहाँ पर कभी भी नहीं जा सको। हाँ बता जब तक मैं नहीं पक। ओए माशाल्लाह यार काफ़ी कंट्रोल है, यानी कि वहाँ से गिरने लगा लेकिन यहाँ पर इसने अपने आप को मजबूत कर लिया। इसको हमने चेक कर लिया ना, ये डोली हमारी खाली होती है, अब हम इसको चेक करते हैं, ये भी अब हमारी खाली होगी क्योंकि बच्चे इसमें से सारे निकल के फुर हो गए हैं। आखिरी को चेक करते हैं, आखिरी में अभी एक बच्चा बैठा हुआ है, इसके आज दो भाई बाहर निकल आए, इसका पता नहीं यार दो भाई या पता नहीं एक भाई था वो आज बाहर निकल आया और अब इसने फीमेल ने नए अंडे दे दिए। यार ये लग आपको पुराना रहा होगा लेकिन ये नए अंडे बच्चों ने ना इसको खेल खेल के इसको फुटबॉल बनाया हुआ था, इसको गंदा कर रहे हैं। एक बच्चा वहाँ से टांग मारता है, एक बच्चा वहाँ से टांग मारता है, इसको फुटबॉल बना दिया बेचारे को अंडे को। खैर अंडा फिर भी हेच हो जाएगा क्योंकि फीमेल ने अभी इस पर बैठना स्टार्ट नहीं किया। जिस दिन भी फीमेल बैठना स्टार्ट कर देती है ना अंडे पर, उसके बाद अगर फिर वो अंडा यानी कि हिले या कुछ होना फिर वो अंडा खराब हो जाता है, अदरवाइज अभी अंडा न्यू है तो न्यू जितना सही से रखना चाहे पड़ा रहेगा। तुम भी बाहर निकलो, अब तुम्हारे भाई बहन बाहर आ गए और तुम अभी वहीं पर बैठे हुए हो, तुम्हें पकड़ के निकालूं मैं। भाई रुको एक मिनट, निकलो भाई निकलो और छो से छुपता देखो। तुमने ना पता है कैसे ब्रीड करनी है बड़े होके, जैसे इसने की हुई है, ये छह बच्चे आप देख रहे हैं ना, ये सब के सब ये बिल्कुल वैसे का वैसे इसकी फीमेल है जैसे ये निकला पड़ा है। और अगर इसने वैसे ब्रीड ना की बल्कि तुम उसके बच्चे हो, न्यू जनरेशन ज्यादा आगे निकल जाती है माँ बाप से, तुमने 12 बच्चे देने हैं, सुन रहे हो, अपने ख्यालों में मगन है यार, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ। तो इसका भाई बाहर आया हुआ है और इसका भाई, ये जो गंदे गंदे बच्चे हैं ना ये इसके नहीं है, इसका भाई जो है ना वो बहुत प्यारा है, वो है ये वाला इसका भाई, ये इसका भाई है, देखें ये देखें कितना प्यारा है, और इनको देखें ऐसे आम आम से बच्चे हैं ये बड़े बच्चे जैसे भी वो प्यारे लगते हैं। तो अब हम नेक्स्ट आखिरी को चेक कर लेते हैं, आखिरी में अभी दो ही अंडे हैं, अभी फीमेल ने नए अंडे नहीं दिए, इसका मतलब यार अब ये ना इनको हेज कर रहे, दुआ करो इसमें से अब जल्दी बहुत जल्दी ना 12 बच्चे निकल आए, बस दो अंडे हैं ना, 12 बच्चे तो निकलने चाहिए ना दो अंडों में से, तो 24 बच्चे निकल आएंगे। मजाक कर रहा हूँ यार, एक अंडे में से एक ही बच्चा निकलता है, ये तोते हैं, ये कोई सांप या छिपकली वगैरह के अंडे नहीं है, मेरे ख्याल में छिपकली के भी एक अंडे से एक ही बच्चा निकलता है, बरल सांप के एक अंडों में से पता नहीं, सांप के मैंने सुना एक अंडे में से ना 1 करोड़ बच्चे निकल आते हैं, फीड देने की कोशिश कर रहे हैं छोटे छोटे, वो दिखें और माँ बाप को देखे ना इन्होंने, ये देखें इसका माँ भी और बाप भी ऐसे करते, ये देखेंगे देखें अभी आपने देखना, अब इसका साइज देखें और हरकतें देखें अभी से, अभी छोटे छोटे और एक दूसरे को फीड दे रहे हैं, ये यही माँ बाप से सीखते हैं, माँ बाप से सीख ले फिर जब बड़े होते हैं फिर अपने फीमेल को वैसे चोग देते हैं, फिर वैसे ब्रीड करते हैं, फिर इनके बच्चे निकलते हैं, फिर वो ऐसे सीख लेते हैं, फिर उनके बच्चे निकलते हैं, ऐसे ही बस प्रोसेस एक चलता रहता है। सारी डोलियाँ हमने चेक कर लिया, अब हमारे बच्चे आपको बहुत कम नजर आएंगे, इसमें बच्चे थे सिर्फ इसमें बच्चे थे और इसके अलावा इसमें एक बच्चा था, बाकी इसमें भी बच्चे थे इसके अलावा इस डोली में भी बच्चे थे, वो सब के सामने हमने पकड़ के पहले ही अलग कर लिया, कुछ हमारे पास वहाँ पर ठहरे हुए और कुछ बहुत सारे बाहर निकले हुए हैं, देखें आप कितने सारे हो गए हमारे पीछे, देखें इतने सारी कलोनी भरी पड़ी है बच्चों से हमारी। अगर गाइस सारी डोरे हमने चेक कर ली तो ठीक है गाइस, आज के व्लॉग को यहीं पर करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में न्यू एक्टिविटी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।